हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ज्ञान व्यान हिंदी और उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, और भी गम है ज़माने में कोरोना वायरस के सिवा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक और नई खबर लेकर आया हूँ जो कि कोरोना वायरस से थोड़ी हटकर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, नेशनल ज्योग्राफिक और लाइफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक 5 मई यानी 5 दिन पहले अमेरिका में पहली बार बहुत ही मैसिव, बहुत ही ज़्यादा तादाद में मर्डर हॉर्नेट्स को देखा गया है। इन्हें वाशिंगटन स्टेट में देखा गया है। तो आइए जानते हैं मर्डर हॉर्नेट्स के बारे में, जिसे हॉर्नेट्स फ्रॉम हेल यानी नर्क से आई हुई हॉर्नेट्स भी कहा जाता है। दोस्तों, पहले मैं इस जानवर के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। ये एशियन जाइंट हॉर्नेट्स वर्ल्ड के सबसे बड़े फ्लाइंग वैस्प होते हैं और इन उड़ने वाले जीव जिन्हें वेस्पा मैंडारिनिया भी कहते हैं। दोस्तों, मैंडारिन संतरे को भी कहा जाता है, जो कि सुर्ख नारंगी रंग का होता है, और चूंकि इनका सर बिल्कुल संतरे की नारंगी रंग से मिलता जुलता है, ये उड़ने वाला खतरनाक जीव आपके अंगूठी के साइज का ही होता है और इसका सर नारंगी रंग का होता है। मर्डर हॉर्नेट्स ये ना तो पूरी तरह मक्खी है और ना ही पूरी तरह चींटी है, बल्कि एक टाइनी इंसेक्ट है, छोटा सा उड़ने वाला जानवर है, मगर बहुत ही डेडली और बहुत ही जानलेवा है। देखने पर एक मधुमक्खी की जैसे ही दिखाई देता है, लेकिन ये साइज में उससे बड़ा होता है और बहुत ही आक्रामक स्वभाव का भी होता है। दोस्तों, बिजनेस इंसाइडर की न्यूज एक्सपर्ट के मुताबिक इससे डरना और इसके बारे में अमेरिका में अलर्ट जारी करना बहुत जरूरी है। ये 2 इंच के मर्डर हॉर्नेट एक वेनम है, एक जहरीला जानवर है जिसके स्टिंग्स यानी डंकों में जहर होता है, जो कि अगर एक इंसान को काट ले तो उसे एलर्जी से किडनी डैमेज हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। एक खास बात कि ये इंसानों के साथ साथ मधुमक्खियों को भी अपना शिकार बनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये उन मधुमक्खियों का न सिर्फ सर काटते हैं, बल्कि हजारों मधुमक्खियों को एक साथ हमला करते हैं, उनके सर को कुचल देते हैं, उन्हें खा जाते हैं और उसके बाद उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंदेशा है कि इनका एक झुंड नॉर्थ अमेरिका की तरफ रुख कर रहा है। दोस्तों, इसकी वजह से जापान में हर साल 50 लोगों की मौत होती है। WSDA वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा है कि 2 बार इन हॉर्नेट्स के झुंड को दिसंबर 2019 में अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट के नजदीक देखा गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। उसके बाद फिर से अमेरिका में इस विशाल झुंड को दोबारा देखा गया है और WSDA का कहना है, हमें नहीं पता कि ये कैसे अमेरिका पहुंची, ये शायद उन्हें शक है कि इन्हें डेलिबरेटली रिलीज किया गया है, यानी जैसे इन्हें जानबूझ के छोड़ा गया है। ये सो कॉल्ड किलर हॉर्नेट्स 2013 में एक बड़ी हेडलाइंस का हिस्सा भी रही थी, जब इन्होंने लगातार चाइना के शांजी प्रोविंस पर अटैक कर 28 लोगों की जान ले ली थी और हजारों लोगों को घायल भी कर दिया था। एक अजीब और हैरानी की बात है दोस्तों, जापान की कुछ पहाड़ी इलाकों में इन हॉर्नेट्स को डीप फ्राई करके भी खाया जाता है, और साइंटिस्ट का ये कहना है अगर ये फैलते हैं तो इससे मधुमक्खियों की बड़ी आबादी को खतरा हो सकता है, और जो इंडस्ट्रीज इन बीज की फार्मिंग्स करते हैं, यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इन मधुमक्खियों की फार्मिंग करके हनी बनाते हैं, शहद को बनाते हैं, उनकी फार्म्स को भी नुकसान होने का खतरा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका शिकार मधुमक्खियां और इंसान दोनों होते हैं। दोस्तों, WSU की फैक्ट शीट के मुताबिक सिर्फ 15 से 30 हॉर्नेट्स ने मिलकर 30 से 50,000 मधुमक्खियों को उनकी ही कॉलोनीज में जाकर देखते देखते कुछ ही घंटों में तहस नहस कर डाला था। तकाशासी के मुताबिक अमेरिकन इससे बहुत हल्के में ले रहे हैं, इसे बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, और उन्हें इसकी टॉक्सिसिटी का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें परिणाम का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं हालांकि इसे अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार देखा गया है, लेकिन अगर इन्हें कुछ सालों के अंदर रोका ना गया तो अमेरिका को इससे फैलने से रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इनकी तलाश शुरू कर दी गई है और कहते हैं कि इन्हें कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्वींस पर कंट्रोल करना होगा। क्वींस यानी फीमेल हॉर्नेट्स को कहा जाता है, तो उनके प्लान के मुताबिक पहले फीमेल हॉर्नेट्स को ख़त्म करना होगा, वरना इनकी कॉलोनीज और इनके नेस्ट, इनके घोंसले तेजी से बढ़ते चले जाएंगे और इनकी पॉपुलेशन अनकंट्रोल भी हो सकती है। रिसर्चर्स रेडियो ट्रांसमिटिंग कॉलर्स का इस्तेमाल करके इन मर्डर हॉर्नेट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की एक लेटेस्ट खबर। उम्मीद है आप सबको हमारा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आपसे हमारी गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पाएं हमारी आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सबसे पहले। उम्मीद है दोस्तों मिलते हैं फिर किसी यूनिक फैक्ट्स न्यूज़ अपडेट के साथ। गुड बाय, टेक केयर।